अच्छी चीज है ना। मेरी बात सुनो, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बी माइनस x अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बी माइनस x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस 1। इसको सॉल्व करने से बेहतर है अपन सीधा सीधा इसके अंदर ऑप्शंस की पुटिंग करके देखें कि कौन सा फिट हो रहा है कौन सा फिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने LHS देखा, क्या LHS? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बी माइनस x x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 पी माइनस x पुट किया मैंने x 3p कितना 3p देख क्या आ रहा है 3p पुट करने से 12p माइनस 3p 9p और इधर आया 3p माइनस 12p माइनस 3p 9p तो ये हो गया 3p और ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट p 3p माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट p टेक 3 कॉमन सो ये हो जाएगा p प्लस रूट p 3 कॉमन p माइनस रूट p 3 से 3 अरे p क्या होता है p बता रूट p इनटू रूट p टेक रूट p एज अ कॉमन फैक्टर RHS root p plus 1 upon root p minus 1 which is equal to RHS तो ये satisfy कर गया 3p तो है ना। लेकिन एक doubt है, ये भी option हो सकता है कि यार 3p और minus 4p दोनों ही satisfy कर जाएं। अब हम minus 4p की putting करो, क्या RHS होता है opposite x plus root 12p minus x upon x minus 12p minus x put करना x के place पर माइनस का 4p माइनस 4p प्लस माइनस 12p माइनस ऑफ माइनस 4p ये कितना हुआ माइनस 4p प्लस माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 16 16 का स्क्वायर रूट 4 क्या हुआ 4p और ये कितना हुआ 12 प्लस 4 16 16 का स्क्वायर रूट ये भी क्या हो जाएगा 4 root b ऐसे लिखे तो 4 root b minus 4 b एक minus sign common minus 4 common so this will be b plus root b 4 common root b minus b minus 4 common b plus root b 4 से 4 cancel ये minus ऊपर shift हो जाएगा क्या हो जाएगा b minus root b b plus root b common root b minus 1 हो रहा है root b common root b plus 1 हो रहा है तो यहाँ आ रहा है root b minus 1 upon root b plus 1 आ रहा है जबकि ये तो उसका reciprocal आ रहा है ना तो ये माइनस फोर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा सो ऑप्शन ए ओनली थ्री बी चेक करने आंसर क्या रहा है ये कर लिया क्या आंसर बोल के बैठ हो गया सॉल्व किया है पीछे आंसर की चेक करो क्या ए आ रहा है क्या लेवल का आपका बैकग्राउंड मैथ्स है बेटा नॉन मैथ्स है नॉन मैथ्स सीबीएसई आरबीएसई क्लियर हुआ ये कुछ नहीं किया मैंने ऑप्शन पुट किए हैं जो मेथड ही लगाया सिंपली एक्स को पुट किया पहले 3p 3p पुट करते 12p माइनस 3p हुआ 9p 12p माइनस 3p हुआ 9p 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट p 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ p टेक 3 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर टेक 3 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड कैंसिल आउट p प्लस रूट p एंड p माइनस रूट p एंड व्हाट इज p व्हाट इज p p मींस root p into root p a क्या होता है square root of a into square root of a so what is p square root of p into square root of p और same here p क्या होता है square root of p into square root of p take square root of p common factor from numerator as well as from denominator and cancel out what is the answer root p plus 1 upon root p minus 1
RHS, फिर माइंड में कंफ्यूजन आया कि ये इसमें भी एसोसिएट हो रहा है, ये भी आंसर हो सकता है, माइनस फोर भी हो सकता है, तो माइनस फोर भी पुट किया तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर केवल 3p। कहाँ दिक्कत है बताओ ना, क्या दिक्कत? इसके अलावा डाउट इस पेज पे क्वेश्चन किया नहीं किया आप लोगों ने? होमवर्क किया था? यस सर। होमवर्क किया है? होमवर्क किया बेटा? कोई डिफेक्ट था? कोई डाउट नहीं आया? 19 डाउट आया इस पेज, कोई डाउट नहीं आया? अप टू 17 कोई डाउट है? अच्छा आगे चलो, 19 कुछ ना खत्म हो, चल 19 बताते हैं। मैं इसको रब कर दूं क्या? यस सर। तो जल्दी लिखो ना प्लीज, मुझे पेंडिंग है अभी, बोल रहा है ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, कोई नहीं, अपन एरर को डिटेक्ट करेंगे फिर करेक्ट भी करेंगे। बुक में एरर है, 21 में बी आएगा नीचे, हाँ भाई आएगा, हो जाती है मिस्टेक, तुम तो घबरा क्यों रहे हो? चिल्लाएगा बुक वाले पे, तो हो जाती है गलतियाँ, आरडी ने कर रखी है गलतियाँ, कुछ 21 में एरर है। अरे कुछ एरर्स भी जरूरी है तो पता चलता है, मैं सारी है नहीं पता, सही है ना? आज कौन एब्सेंट है वैसे? बॉय कौन एब्सेंट है? हाँ वो आते हैं ना बॉय, क्या नाम है उसका? नहीं कुछ और बता दो सुना, सर से मैं मैथ्स की लिस्ट दे दूंगा बच्चों के नाम की, तो मैं भी अटेंडेंस ज्यादा होंगे तो पता चलेगा आप मान रहा है, क्या मान रहा है, एब्सेंट कौन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपने? 19 18 18 बताना है या 19? नहीं आप बोलो ना बेटा, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे सुनो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर 18 वनजा 18, 18 को फैक्टराइज करो, प्लस करने पर 9 आना चाहिए, सो 6 थ्री जा
सो माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18, x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, उसके फैक्टर्स क्या बने, x माइनस 6 x माइनस 3। सिमिलरली इसके बाद x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, 15 वन जा 15 फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर 2 आ जाए, 5 3 जा 15, 5x माइनस 3x माइनस 15, टेक x कॉमन फैक्टर x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 इसका आंसर हो गया। अकॉर्डिंग इसी तरह से x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को सॉल्व करो, फैक्टराइज करो इसे, सो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, ये कितना हो गया x माइनस 3 x माइनस 1। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर क्या आया था, रूट ऑफ x प्लस 5, इसको सॉल्व करने पर क्या आया था, x माइनस 6 आया था माइनस 6, और यहां पर आया था x प्लस 5 x माइनस 3, और यहां पर x माइनस 3, ठीक है। अब क्या किया आप लोगों ने, रूट x माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहां पे बचा रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस रूट ऑफ x प्लस 5, यहाँ पे क्या है रूट ऑफ x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 1 रूट ऑफ x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 6 रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक रूट ऑफ x माइनस 3 इज अ कॉमन फैक्टर, रूट ऑफ x माइनस 6 रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 कंपेयर विद जीरो। सो दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये और एक ये पूरा फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, सो कंपेयर ईच एंड एवरी फैक्टर विद जीरो। इसको जीरो से कंपेयर किया मैंने, स्क्वायरिंग किया मैंने, एक्स कितना आ गया 3। अब इसकी बारी, रूट ऑफ एक्स माइनस 6 रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस का रूट ऑफ एक्स माइनस 1 कंपेयर विद जीरो, रूट ऑफ एक्स माइनस 6 रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1, क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर दो, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर 5x माइनस का 6x माइनस का 30 इक्वल टू एक्स माइनस 1 ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस का 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल। अभी मुझे रब करना होगा, स्पेस चाहिए, मैं इसको रब करूं, रब करूं उसको, मैं कॉपी हो गया, जल्दी करो ना, मुझे रब करना है, स्पेस चाहिए। एक रूट कम हो गया ना तुम्हारा कैंसिल करते ही, और मैंने काटा नहीं, मैंने कॉमन लेके जीरो से इक्वेट किया तो एक्स रूट आ गया। डायरेक्ट मतलब कैसे, हाँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होता, सब होता है।
क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? समझ रहे हो? अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, है ना? किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये तो क्वेश्चन था हमारा, इसका वैल्यू ये आया था, वो पुट कर दिया, इसका वैल्यू ये आया था, ये पुट कर दिया, एंड इसका वैल्यू ये आया था, ये पुट कर दिया, ओके। फिर ऑब्जर्व किया कि रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री कॉमन है। यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये रहा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स, यहाँ बचा रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव। सो रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इसको इंटायरली शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, ये बन गया यहाँ पर आगे देखो नेगेटिव, एंड इक्वेटेड टू जीरो, यहाँ पे जीरो बच जाएगा ना। रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री कॉमन था, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट ऑफ एक्स माइनस सिक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन कंपेयर विद जीरो। अब एक फैक्टर तो ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। सो कंपेयर करेंगे ईच एंड एवरी फैक्टर विद जीरो। पहले इसको जीरो से कंपेयर किया तो एक्स थ्री आ गया, अब इसको जीरो से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है? नहीं, मैं पूरा रब करूंगा, उसके बाद यहाँ करूंगा, क्योंकि बड़ा जाएगा कुछ नहीं और यह स्पेस कम पड़ेगा। रब करें क्लास जल्दी, ये तो हो गया होगा ना इस साइड का। क्लास देखिए क्या आया, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, वन ट्वेंटी थ्री जा नहीं होगा, फैक्टराइज ये। सो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, पढ़ाया था फॉर्मूला टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ ये, टू इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बोलो मेरे साथ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये कितना हुआ, फोर सिक्सटीन ट्वेल्व, ट्वेल्व सेवन फोर फोर जीरो प्लस हो जाएगा ये सिक्स, ये कितना हुआ, बिल्कुल अपॉन सिक्स, एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज वन फोर फाइव सिक्स, वन फोर फाइव सिक्स टू सेवन सा टू टू सा टू एट सा ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या बच्चों? सो टोटल एक्स के थ्री आंसर्स आ रहे हैं, टोटल एक्स के थ्री आंसर्स आएंगे। एक तो होगा हेंस एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू टू प्लस माइनस टू रूट नाइन्टी वन अपॉन थ्री, ये आंसर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में वो टू मिसिंग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट बट उसके अंदर थोड़ा मिसप्रिंट है, टू रूट नाइन्टी वन कर देना, ठीक है? है कोई दिक्कत है बताओ? नहीं करो इसे, ये हो गया था प्रथम रूप से, नाइन्टी में सिमिलर ही तो है।
19 यहाँ से नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या? पुट क्यों किया? ऐसे करता ना, सही किया 18 वाला। हो गया तुझसे? आंसर आ रहा है? ये कैसे हुआ? नहीं ऐसे करके करा है या पुटिंग? ये मैं उसमें से लॉन्ग मेथड से करूँगा इसको और आंसर रहेगा। अरे से बोलने दो, बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड, सही है। बच्चे को परेशान मत कर दो। हाँ परेशान करता है, तू आगे आ जा। कोई डाउट है बोलो। दो फैक्टर्स थे, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, सो कंपेयर ईच एंड एवरी फैक्टर विद जीरो। पहले इसको जीरो से कंपेयर किया, स्क्वायरिंग किया, एक्स थ्री आ गया, क्लियर है इतना। फिर इसको कंपेयर करेंगे जीरो से, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस का रूट ऑफ एक्स माइनस वन कंपेयर विद जीरो। ये टर्म उठ के यहाँ चला गया, पॉजिटिव बन गया। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो ये ए, ये प्लस ये बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से, इट बिकम्स एक्स माइनस वन। नाउ एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स एक्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस वन टू एज इट इज। रूट के अंदर क्या हो गया, एक्स 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 स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस का 30 और ये एक्स माइनस वन। नाउ इस टू एक्स माइनस वन को शिफ्ट किया राइट साइड, ये ऐसा बन गया, कैंसिल हो गया माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स हो गया ये। फिर इसके अंदर वापस स्क्वायरिंग किया, सॉल्व किया। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था इसलिए फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। टेंथ क्लास अगर याद हो तो, स्कूल कौन सा था? मॉडर्न स्कूल तलवंडी। आपने मैथ्स 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया था? कोई बात नहीं, तो ये टेंथ में तो पढ़ा होगा, टेंथ में कोचिंग ज्वाइन किया हुआ ना। कहाँ से किया था टेंथ? सब पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। मॉडर्न में तो फैकल्टी अच्छे हैं, मॉडर्न में तो उसने पढ़ा होगा ना। कौन है? मैथ्स सतीश सर हैं और एक पुराने टीचर कौन है मैथ्स के, आर के जैन है। पढ़ाया आर के जैन ने? रब करें इसको, हो गया। बताना है 19 डाउट है किसी का? गर्ल्स आपने सॉल्व किए? 19 हो गया,
बोलो 19 हो गया आपसे नहीं हुआ, ट्राई किया आपने 19? ट्राई भी नहीं किए, क्यों? 19 ट्राई किया, हो गया 19? नहीं हुआ ना, 19 ट्राई किया आपने, फर्स्ट ट्राई किया आपने, हुआ नहीं, करो फिर 19। सॉल्व y स्क्वायर 4y-21 y स्क्वायर 18 था, जिस तरह से 18 किया वैसे ही इसको 19 को भी करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले रूट वाई स्क्वायर 4y-21, 21 फैक्टर बनाओ कि माइनस में 4 आ जाए, अरे बोलो 39 × 6 ये होता है 3 13 जा और ये 6 3 जा 18 18-13 5 मल्टीप्लाई तू ही कर, मैं तो ना करूँ। 39 × 6 करना था, मल्टीप्लाई किया ही नहीं मैंने, ब्रेक किया 39 को 3 × 13 में 6 में, उसके बाद 6 3 जा 18 18-13 5 ठीक है, 6y² निशान में आया, बोलो नहीं आया ना, अरे सुनो स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, दिस 39 गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 6, मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाओगे, तो मैं मल्टीप्लाई करूं ही क्यों, क्या मतलब है मल्टीप्लाई करने का, लिख दिया बस 39 × 6 और 39 को ब्रेक किया 3 × 13 में × 6, now 6 going to multiply with 3, 18, और ये 13, 18-13 कितना है, 5, वही तो चाहिए था, मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालूं, तो मैं मल्टीप्लाई करूं ही क्यों, सीधा फैक्टर्स निकाल दिए, समझ में आ रहा, अभी नहीं आ रहा, अरे भैया देखो 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 39 × 6 करो, तुम तो मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है तुम नहीं सीखने वाले कोई नई चीज, अरे यार हमेशा ABCD थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़े बड़े भी तो होंगे, सुनो इसे मल्टीप्लाई करो ही क्यों, मुझे क्या पता क्या आएगा, और मुझे जानना भी नहीं है क्या आएगा, तुम करो मल्टीप्लाई, मैं तो नहीं करूँगा, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, फैक्टर्स बनाना, मैं बिना मल्टीप्लाई के फैक्टर्स बना दूंगा, बाद में तो ब्रेक करना है ना, अभी ब्रेक कर देता हूँ, 39 को तोड़, क्या होता है 39 3 × 39 13 नहीं होता, 39 क्या होता है 3 × और × क्या चल रहा है, अब 3 को मिलाकर 6 से 18 × 13 और 18-13 क्या होता है, मुझे 5 ही तो चाहिए, तुम लोगों ने 10th की RD सॉल्व करी ही नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं करी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे उसमें, हमारा गड़बड़ आज नहीं है, हमारा गड़बड़ कल था, हमारा पास्ट बिगड़ा हुआ है, वो हमारे प्रेजेंट के आड़े आ रहा है, कोरोना को बहाना मत बना, देख फालतू बात नहीं, कुछ नहीं हुआ कोरोना में, बच्चे पढ़े हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना तो हमें एक्सक्यूज मिल गया बस, ओके 18-13 5 होता है, लेकिन मुझे माइनस का 5 चाहिए था, तो माइनस का 18+13 हो गया 6y y-3 13 y-3 6y+13 y-3 ठीक है,
अरे बात मत करो, बातें में दिमाग चलता नहीं, समझ में नहीं आएगा, फिर शांत रहो, बिल्कुल अपनी एनर्जी सेव करो। अब बताओ क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर 4y-21 प्लस वाई स्क्वायर -y-6 इक्वल टू 6y² माइनस का 5y माइनस का 39, इसकी वैल्यू क्या आया था फाइंड किया ना मैंने, क्या बताओ, y प्लस 7 वाई माइनस 3, और ये क्या आया था y माइनस 3 कॉमन, रूट y माइनस 3 कॉमन, तो ये हो गया y प्लस 7 y प्लस 2 ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम पैटर्न है ये, कौन बोला मैं छोड़ गया हूँ, कौन बोला क्वेश्चन छोड़ गया हुआ, मैथ्स वाला ना तू हद कर रहा है, इनकी हिम्मत बना, और तू बोल रहा है तू मैथ्स वाला बोल गया मैं क्वेश्चन छोड़ गया हूँ, तो चलो ये हम तो पेपर छोड़ के आएंगे, तू तो मैथ्स वाला है, क्या कर रहे हो तुम, दो तीन बच्चे जो हो यहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड के, तुम्हें तो नॉन मैथ्स की हिम्मत बनानी चाहिए, और तुम हिम्मत तोड़ रहे हो, ये गलत है, ये तुम बोलो मैथ्स ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये यही है गद्दार, मैथ्स का हुआ इन्होंने बनाया है। यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है भाई, लिखते हुए समझ के चलना कि एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे कॉपी मत करना आप लोग, एक एक स्टेप को समझते हुए लिखो, जहाँ समझ आना बंद हो जाए लिखना बंद कर देना, बोले बात करना मुझसे कि भैया कैसे लिखा आपने ये, मेरे पास तो नहीं है।
वो इसके पास है सीधा पुटिंग वाला, वो शॉर्टकट स्मार्ट वर्क। सही बात है। बेटा ऐसे रूट्स आ जाएंगे ना रैशनल वाले, रूट वाले, फिर तो करके दिखा ना पुटिंग। तू ऐसे 18 करके दिखा पुटिंग से। ये ऑप्शन के बलबूते पर नहीं जाएगा। हाँ सही है, बढ़िया बढ़िया, सही बात है। पेपर निकालने से मतलब है, सही बात है। हाँ हाँ सही बात है। ओके सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा बच्चा। ये समझ में आया? एक तरीका ये जो ये बता रहा है, ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल दो, वो तो है ही, से सबको आता है वो, तो उसमें मैं क्या बताऊँ, उसमें मैं क्या समझाऊँ, वो तो तुम लोग कर लोगे। मैं ये बताने आया हूँ आपको, एक ऑप्शन वाला मेथड सीधा पुटिंग करो, और एक ये मेथड, दो तीसरा मेथड नहीं है, है ही नहीं ना, बताऊँ कहाँ से, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप रिसर्च करो फिर मुझे बताना, है ही नहीं। ऑप्शन पुट करके देखें इसने, और कुछ नहीं किया। तीन आ रहे ना बेटा, वाई इक्वल टू थ्री। स्टूडेंट्स अब मैं पढ़ा लूँ अपना, थ्री रूट्स हो गए ना, वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू टू माइनस फाइव बाय थ्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थ्री टू माइनस फाइव बाय थ्री, थ्री टू माइनस फाइव बाय थ्री। भाई सीधी सी बात है, इसमें एक तरीका यह है कि इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना चाहते तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें पुट कर करके देखो, वो तरीका भी ठीक है, सो टाइम तो लगता ही है। और एक तरीका ये है, दोनों तरीके आपके पास है, क्वेश्चन करके आओ बस, अल्टीमेटली क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे ऑप्शन से डालो चाहे ऐसे डिस्क्रिप्टिव करो, ये डिस्क्रिप्टिव तरीका है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीका, सही तरीका तो ये है, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे तो क्या करोगे? अरे मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा, थोड़ा अलग सोचो हटके, वहां पे क्या करोगे? हाँ हाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अब लड़के हो रहे हो, ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन आएंगे, मैं बता रहा हूँ दोनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं। तू फंसेगा दिन तक मुझे याद करेगा, तू तो मुझे याद करेगा। हाँ सर ने समझाया था मेथड, ओके ऑप्शन वाला मेथड मैं समझाऊं, वो तो आपको आता है ना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, सो तो कैलकुलेशन होगी बस, वो तरीका बताऊं मैं आपको? नहीं ना, वो खुद से कर लोगे। करना क्या होगा उसमें? थ्री पुट करना है, उसमें टू पुट करना है, माइनस फाइव थ्री पुट करना है, कैलकुलेशन होगी और स्क्वायर रूट निकालना है, वो तो आप खुद भी कर लोगे ना। अब मुझे कौन सा बताना है? 21 हो गया बच्चों से, 21 अरे तुझसे हुआ ना, इनसे पूछा था, 21 बताना है, बताना है 21, अरे हाँ ना बोलो, 21 बताना है, बताना है 21, बताना है। मैं स्कोर अप कर दूँ क्लास? स्टूडेंट्स बोलो स्कोर अप कर दें। चलो देखो जैसे जैसे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ता हुआ ना होता है ना, नहीं नहीं गिरना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 में एरर है, सही कर लेना। ऑप्शन ए में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बी है, बुक में शायद गलत दे रखा है ना, वहाँ पे बी कर दो, पहला चेंज तो यहाँ। अब देखो इसमें सॉल्व नहीं करेंगे हम, लॉजिक यूज करेंगे, ऑप्शंस का दिया हुआ लॉजिक। कैसे? सीधा सीधा लगता है कि यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी ए है, यहाँ पर ए बी है, मीन्स दो टर्म्स का प्रोडक्ट चल रहा है, इसमें स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर तो क्वेश्चन में कहीं डिमांड में नहीं है। यहाँ भी ए इंटू ए स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर डिमांड में नहीं है, यहाँ भी ए इंटू बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर कोई डिमांड में नहीं है। तो ले देखिए मेरा थोड़ा सा जाता है लॉजिक, तो डी ऑप्शन पे जाता है। हाँ हालांकि अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि डी ही एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे पहले, तो एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस सी अपॉन सी प्लस ए, एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एक्स के प्लेस पे पुट कर दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी बी प्लस सी, एक्स के प्लेस पे ए बी प्लस अब क्या हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब इसमें ए कॉमन, बी प्लस सी, बी प्लस सी, इसमें बी कॉमन, ए प्लस सी, ए प्लस सी, इसमें सी कॉमन, बी प्लस ए, नीचे ए प्लस बी, क्या हुआ ये, क्या आया आर एच एस, वही है क्या, ऑप्शन डी करेक्ट, इजी। इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको लॉजिक बोलते हैं। ओके 22 बताना है, yes, sir. देखो 22 देखो, इसमें ऑप्शन पुट नहीं कर पाया तू, सुनने तो दे। हाँ गलती है ही नहीं, गलत फहमी, आप गलत हो। अच्छा क्वेश्चन चेंज करना चाहते थे आप, चेंज नहीं कर पाओगे, सही है क्वेश्चन को, ऑप्शन पुट कर देना, कहीं अटकोगे तो हमारी याद तो आएगी। इसको रब करें, नहीं सही है क्वेश्चन, अरे यार तुम ऐसे मत करो, रूमा तो फैलाओ यार, क्वेश्चन गलत है, सही है क्वेश्चन, डोंट डू, हर क्वेश्चन गलत मत कर भाई, जान सा नहीं है, क्वेश्चन गलत है। हाँ बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं अपने बैच के, मयूर क्या कर रहे हैं, ओके स्कोर अप करें क्लास, बच्चों अब करें इसको, क्या टाइम हो रहा है, 11:06, आज 11:30 तक लेना है, 11:20 तक लेना है मुझे, सर से बात हुई है, स्कोर अब करें,
क्वेश्चन नंबर 22 है ना। प्लस टू माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड एक्स स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू का एलसीएम एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री x माइनस थ्री x माइनस वन x माइनस थ्री माइनस x प्लस थ्री होल स्क्वायर फोर फोर एक्स फोर माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। कोई दिक्कत है? सिंपल आपका नाइन्थ क्लास का एलजेब्रा। एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू का एलसीएम लिया, यहाँ पर एक्स माइनस टू तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस टू है क्या हो जाएगा ऊपर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री का एलसीएम, यहाँ पर एक्स प्लस थ्री है तो क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स 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 स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस का थ्री, ठीक है। माइनस का 4x, माइनस का 6x, क्या हुआ माइनस का 10x, माइनस का 6, माइनस 9 प्लस 3 माइनस का 6, x स्क्वायर माइनस 9, कैंसिल आउट 8x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, माइनस 10x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 9। पहले यहाँ तक कॉपी करो फिर आगे बात करेंगे। इतना कॉपी हुआ? जल्दी करो। प्रथम कैसे किया क्वेश्चन? ऐसे किया? आंसर आ रहा है? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई।
आपका ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा हो लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करते करते, देखो ये बन रहा है पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा 9x³ + 3x² - 56x - 12 = 0। अब आप इसके ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस में आंसर है 0, ±√6। पहला ऑप्शन है 0, क्या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? कभी भी नहीं, नेवर। 0 पुट करते क्या होगा, 0 0 0, बच जाएगा -12। सो -12 क्या 0 के इक्वल होगा? नेवर। अब अगला ऑप्शन है हमारा बी में भी 0 आ रहा है और मुझे पता है 0 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट करते LHS = RHS नहीं होगा। ऑप्शन सी पे जाओ, वापस मिला 0, 0 सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस, तो बचा क्या? डी ऑप्शन करेक्ट। इसमें बैठ के क्यूबिक को सॉल्व मत करना प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना भैया? सही बात है, स्मार्ट वर्क तेरा, ठीक है। ए में 0 है, 0 पुट करने से क्या आ रहा है? -12 आ रहा है LHS, RHS आ रहा है 0, नॉट सेटिस्फाइड। बी में भी है 0, नॉट सेटिस्फाइड। सी में भी 0, नॉट सेटिस्फाइड। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, और आंसर नेक्स्ट। लेकिन ये क्यूबिक बनाना जरूरी है, जरूरी है ना? देख मानता है ना, देख मान गया बच्चा, मान गया, मानना ही पड़ेगा तेरे को, मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, हम कुछ आपकी माने कुछ आप हमारी मानो। बड़े आगे और कौन सा डाउट है बोलो? 24 हो गया, 24 सबसे। अरे और बच्चों को बोलने दे, घबरा जाएंगे बच्चे यार, तुम चुप रहो। 24 हो गया, नहीं हुआ ना? ट्राई नहीं किया क्यों? कल संडे को किया क्या आप लोगों ने? हाँ 24 बताना है क्या? हाँ आपने ट्राई नहीं किया ना, आया नहीं। 24th बढ़े आगे, हो गया प्रथम, कहाँ तक ट्राई किए? आगे ट्राई नहीं किए, करो आगे ट्राई करो। स्कोर अप कर दे क्लास, कॉपी हो गया ये, रब कर दें। आज कितने क्वेश्चन हो गए क्लास में? 6-7 क्वेश्चन हो गए। प्रथम आज कितने हुए? 5 क्वेश्चन, बहुत कम नहीं हुए क्या? तो क्वेश्चन बड़े हैं आज बहुत। क्वेश्चन नंबर देखो 24th, क्लास क्वेश्चन नंबर 24 देखो। इफ x - a² - b² / c² = 2 value ऑफ x इज डैश, ऑप्शंस हैं a² + b² + c² - a² - b² - c² 1/a² + b² + c² - 1/a² + b² + c² सॉल्व करने से अच्छा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। Smart. कैसे? हाँ भाई हाँ, स्मार्ट। हाँ स्मार्ट हुआ है, ठीक है। देख इधर LHS देखो, x - a² - b² / c² + c² / x - a² - b² सीधी सी बात है, ऐसा क्या एक्सपोर्ट करें? चारों ऑप्शंस को देखो और सोचो क्या एक्सपोर्ट करें कि मेरा यहाँ पे 2 आ जाए। और ए को ट्राई करते हैं, पुट x =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर x के प्लेस में क्या पुट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर अपॉन x के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, अच्छा लगता ना। हाँ यस सर, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये देखो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कैंसिल होके वन, कैंसिल होके वन, वन प्लस वन सैटिस्फाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इजी, इसमें क्या नहीं आया तुम लोगों को, आप लोगों ने मेहनत ही नहीं करी है, ऑप्शन देखे ही नहीं, क्यों मना किया किसी ने, यही तो है, किसी में ऑप्शन देखना किसी में नहीं देखना, ये तो सोचने वाली बात है, आ जाएगा। चलो अभी बताओ, 25 हो गया आपसे, 25 सबसे हो गया, है किसी का डाउट, नो सच बोलो, 26 क्यों नहीं किया, ऐसे होता है कि जो बोलूं वही करोगे, उसके आगे नहीं करोगे। वैसे भी तो बात कई बातें करते हो ना, टीचर नहीं बोलता, करना चाहिए क्वेश्चन। 27 बताना है, ट्राई नहीं करा, अब एग्जैक्ट टाइम क्या, 11 एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कर सकते हैं एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको रब करूं, इसको रब करें क्लास। आज सर बाहर गए, मैं उन्होंने बोला लेट आएंगे, हाँ जो नेक्स्ट वर्ल्ड टीचर है ना वो लेट आएंगे, रब कर दें इसको। एक बार एक क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, 31 करवाना है, मान ले कल करेंगे। 31 देखो, द कंडीशन दैट वन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंडीशन दैट वन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, द रूट्स ऑफ इज ट्वाइस द अदर इज, ऑप्शंस हैं बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी ए, ऑप्शन बी 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ c प्लस a, ऑप्शन सी 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ca, एंड ऑप्शन डी 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑफ c माइनस a। क्या प्लान है, कोऑर्डिनेट है क्या नहीं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक, सिखाया था ना मैंने आपको कोऑर्डिनेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, बोलता है वन रूट इज ट्वाइस द अदर, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, वन रूट इज ट्वाइस द अदर, सो अल्फा बिकम्स टू बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है क्या, अब तू अल्फा के प्लेस में क्या पुट करेगा, टू बीटा, बीटा माइनस बी बाय ए, कितना हुआ ये 3 बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी बाय ए सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, ये पढ़ा हुआ 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। अच्छा अल्फा क्या है बताना मुझे, 2 बीटा, और ये बीटा इक्वल टू सी बाय ए, 2 बीटा स्क्वायर सी बाय ए, अरे बीटा क्यों लिया, ऐसे क्या हुई बताना मुझे, माइनस बी अपॉन 3 हो जाएगा ना, 3 यहाँ पे मल्टीप्लायर है वहाँ जाके
सो बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन थ्री ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर सी बाय ए टू, नेगेटिव स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, बी स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर सी बाय ए, ए से ए कैंसिल टू बी स्क्वायर नाइन सी ए, कोई ऑप्शन है क्या, है क्या, इजी तो है ठीक है, इसको रिवाइज करो कल बात करते हैं। हाँ लेकिन होमवर्क नोट करो, अब आप लोग ट्राई करोगे 25 तक ट्राई किए थे ना आपने होमवर्क, आप क्वेश्चन नंबर 26 to 50 कल कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे मैट्रिक स्टार्ट करना है। क्या मैट्रिक्स नहीं है, अलग अलग इसलिए बस इसको बंद करो, बटन दबा दे।